जय माता दी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें माता रानी सबका कल्याण करेंगी लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है इसके पीछे की क्या है पौराणिक कथा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि वेद व्यास जी ने पूरी महाभारत के दृश्य को अपने अंदर आत्मसात कर लिया लेकिन वो लिखने में असमर्थ थे इसलिए उन्हें किसी ऐसे की आवश्यकता थी जो बिना रुके पूरी महाभारत लिख सके तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे तब उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की गणपति बप्पा को लिखने में विशेष दक्षता हासिल है उन्होंने महाभारत लिखने के लिए स्वीकृति दे दी ऋषि वेद ने चतुर्थी के दिन से लगातार दस दिनों तक महाभारत का पूरे वृतांत गणेश जी को सुनाया जिसे गणेश जी ने से लिखा महाभारत पूरी होने के बाद जब वेद व्यास जी ने अपनी आँखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक हो गया था उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए वेद व्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप किया मिट्टी सूख जाने के बाद उनका शरीर अकड़ गया और शरीर से मिट्टी झड़ने लगी तभी ऋषि वेद ने गणेश जी को सरोवर में ले जाकर मिट्टी का लेप साफ किया था कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी ने महाभारत को लिखना आरंभ किया था वह भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था और जिस दिन महाभारत पूर्ण हुई वह अनंत चतुर्दशी का दिन था तभी से गणेश जी को दस दिनों तक बिठाया जाता है और ग्यारहवें दिन गणेश उत्सव के बाद बप्पा का विसर्जन किया जाता है तो दोस्तों ये थी गणपति बप्पा का विसर्जन का पौराणिक कथा कि गणपति विस गणपति बप्पा दस दिनों तक रखने के बाद आखिर उनका विसर्जन क्यों किया जाता है तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स